स्वागत है आप सबका थाईलैंड सीरीज के 16th एपिसोड में। यात्रीगण पधारने शुरू हो चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। एक्साइटमेंट लोगों में बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे देश में होता है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि इस वक्त हम हैं रेलवे स्टेशन पर और जा रहे हैं हुआहिन। हमने से यात्रा शुरू की थी पटाया से, वहाँ से हम पहुँचे बैंकॉक और बैंकॉक से अब निकल चुके हैं हुआहिन जाने के लिए। तो जर्नी पटाया से कैसे शुरू हुई, चलिए स्टार्ट करते हैं। सही मायने में राइड अब पता चली है, ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है वहाँ से यहाँ तक का यानी इस चौक तक का ये सीधी आती है। तो 10 बाट हमने दिए पर पर्सन। ये है कॉन्सेप्ट इन गाड़ियों में ट्रैवल करने का, टैक्सी से 300 बाट और जाते हुए 60 बाट। If you want to remember the name Patia, not Pattaya, like we say in India, so the Patia word is from Punjabi, the song which she is singing right now. पट्टिया का नाम याद रखने का तरीका है, गाना याद कर लो अपने आप याद आ जाएगा तुम्हें। 128 बाट और 2 घंटे की यात्रा के पास हम पहुंच चुके हैं ईस्टर्न बस टर्मिनल बैंकॉक में। यहां से हमने ली मेट्रो जाने के लिए हुआ लॉन्ग रेलवे वालोंपांग रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको अशोक से एक बार चेंज करनी होगी मेट्रो और फिर आप पहुंच जाएंगे बैंकॉक थाईलैंड रेलवे स्टेशन या वालों। मेट्रो स्टेशन अभी हम लोग पहुंच गए, यहां से निकल के चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। टोकन ये है, आपको ड्रॉप कर देना और निकल जाना। सेम मेट्रो जैसे दिल्ली में हमारे साथ होता है, बिल्कुल वैसे ही सिस्टम है। जीप निकल करके हम लोग आए मेट्रो स्टेशन के बाहर। ये है रेलवे स्टेशन हुआ लॉन्गपोंग। ट्रेन सर्विस काफ़ी कॉस्टली लग रही है मेरे को, 400 बाट, 462 बाट की बगल से 400 ट्रेन। स्पेशल एक्सप्रेस 3941 दो ट्रेन चल रही है यहाँ से, 5 नंबर प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको। 462 बाट वर्सेस 150 बाट मेरे ख्याल से, या वो डॉट 180 बाट, 180 462 18 354 करीब 2.5 टाइम्स कॉस्ट ज़्यादा है ट्रेन की। और ये सेकंड क्लास है जो मैं टिकट ले रहा हूँ, फर्स्ट क्लास नहीं है। ये टिकट इस पे देखिए, यहाँ लिखा है मेरा कार नंबर यानी कि बोगी नंबर 6, सीट नंबर 19। 412 बाट पे किया है मैंने, 9:08 पे टिकट रिजर्व कराई गई है स्टेट रेलवे ऑफ थाईलैंड इन्होंने। ये है रेल का नंबर, जैसे हमारे नॉर्दर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे, स्टेट रेलवे। और बैंकॉक से है हुआ हिन के लिए, ये वो डेस्टिनेशन है जहाँ हम जा रहे हैं। ट्रेन का नंबर है 39। जी, दिखाने के लिए कि बैंकॉक रेलवे स्टेशन कैसा है, मैं बाहर निकल के आया तो वैसा ही है। देखिए कुछ जैसे हमारे इंडिया में आपको दिखता है सड़क के किनारे पर लोग सो रहे हैं, यहाँ ये कुछ स्टॉल्स लगे हैं। तो नॉर्मल रूटीन चीज़ें जो होती हैं वो मिल रही हैं। मैं स्टेशन के इस वक्त बैक साइड के इलाके में आ गया हूँ। 10 रुपये में चिकन स्टिक है कि नहीं, बढ़िया चीज़ है, खा के मज़ा आ रहा है। मेरी जो ट्रेन है वो इस प्लेटफॉर्म पे है, ये 5 नंबर पर, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर 3940 10 पे जाने का टाइम है। ये नहीं है क्योंकि स्टार्ट यहीं से होगी। यात्रीगण पधारने शुरू हो चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। ट्रेन
क्या नहीं, पर वैसे ही अफरा तफरी मची जैसे हमारे इंडिया में होती है। सब लोग भाग दौड़ करके अपने अपने बोगी में पहुंचने लगे हैं। हमारे बोगी का नंबर है 6 जो सबसे लास्ट में है। पैसेंजर्स का हालचाल पूछने के बाद मैं आगे आपको ट्रेन की सैर कराता हूँ। एयर होस्टेस की तरह यार ट्रेन होस्टेसेज हैं। स्टेशन का माहौल कुछ इस तरह का है, कलरफुल हैं ट्रेन, साफ़ सुथरी हैं। और यहाँ पर अंदर आपको सर्व करने के लिए या ठंड से बचने के लिए मिलेंगे ब्लैंकेट, क्योंकि अंदर एसी काफ़ी चिल्ड होता है। और यहाँ पर फूड करेंगी ये मोहतरमा आपको, ये है वो ब्लैंकेट जिनके मैं आपको बात कर रहा था, छोटा सा ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए ताकि आप एसी की ठंड से बच सकें। और ये है वो ट्रॉली जिसमें रख करके आपको स्नैक्स और जूस सर्व किया जाता है। ऐसा ही सिस्टम अगर हम अपने इंडिया में शताब्दी में कर दें तो वो बेचारे जो बार बार चक्कर लगाते हैं उनको वैसा नहीं करना पड़ेगा। एक ट्रॉली में सब सामान रखिए और सभी पैसेंजर को डिलीवर कर दीजिए, ये शानदार ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। ट्रेन से ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस शानदार था। को पैसेंजर से बात करके मिलते जुलते सुबह के 2:30 बज गए, हम नहीं सोए। और अब हम पहुंच चुके हैं हुआहिन, ट्रेन रुक चुकी है और हम उतर रहे हैं। चलिए हमारी ट्रेन कितना देर है, पता नहीं कुछ दिखेगा कि नहीं। तो स्कूटी पे घूम रहे हैं, 2:50 का टाइम है, यानी कि 3 बजने वाले हैं। ये लोग अभी तक घूम ही रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 लोग स्कूटी पे बैठे। इस सड़क पर सीधे चलना है मुझे 500 मीटर, तब जा करके ये हॉस्टल आएगा जहाँ जाना है। चंडीगढ़, दिस वन, या दिस चंडीगढ़, या CH, राइट द सिटी नेम, राइट। सुबह 3 बजे हमने हॉस्टल में चेक इन किया। ये वो ऑनर हैं हॉस्टल के जो आए, इन्होंने एंट्री की, हमसे पेमेंट ली और सिक्योरिटी डिपॉजिट 200 बात कर लेने के बाद हमें कुछ ही दूरी पर वॉक करके हमारे हॉस्टल में ले गई। जो हमने कमरा बुक किया है ये 4 लोगों के लिए बिल्कुल वैसा ही डोम बेड वाला ऑप्शन है जिस तरह का हमें वहाँ पर मिला था बैंकॉक में। इस जगह के हॉस्टल का रेंट करीब 270 बाट है एक पर्सन का, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो ये अच्छा ऑप्शन है। एसी थोड़ा जुगाड़ो जैसा है, एक डबल बेड लगा है और ये है डोम बेड, तो हम 3 लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं। अच्छा ओके, शूज बाहर।
जो हम लोग आपको कहते हैं ना कि ट्रैवलर चार्जर लेकर के आइए उसके बगैर थाईलैंड में मुश्किल होगा, ऐसा है नहीं। अगर आपके पास टू पिन वाले चार्जर हैं इंडियन स्टाइल के और आप, तो वो आसानी से वहाँ किसी भी प्लग में लग जाते हैं। तो हमें खाना ऑर्डर कर देता हूँ, पता चलता नहीं कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। मिलते हैं जिसमें मैं आपको सैर पर लेकर चलूँगा। सी यू, थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।